हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 21 मार्च तक का डाटा बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आपके कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, किस जोन में आपके सबसे कम फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और किस जोन में आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस जोन में आपके फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका कंपटीशन भी आपका ज़्यादा रहने वाला है और किस जोन में आपका कंपटीशन कम रहने वाला है और वहाँ पे फॉर्म कितने कम फिलअप हुए हैं। तो उस विषय को देखकर अपना अपना फॉर्म भर लें और सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा जोन भरना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है फ्रेंड्स आपसे कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि और भी अपडेट इस चैनल के मदद से आपको देता रहूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपकी जो टोटल वैकेंसी निकली थी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, टोटल आपके यहाँ पे 35,277 जगह थी। इसमें से ट्वेल्थ वालों की जो वैकेंसी थी 10,628 और ग्रेजुएशन वालों की जो वैकेंसी थी 24,649। ये पोस्ट इनकी थी ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन वालों की, टोटल मिला के देखी जा रही है यहाँ पर 35,277। अब बात करते हैं प्रत्येक जोन में कितने फॉर्म आपके फिलअप हो चुके हैं 21 मार्च तक। बात करते हैं आपके यहाँ पर इलाहाबाद जोन की। इसके अंदर टोटल सीट आपके यहाँ पे 4,99 टोटल सीट है। इसके अंदर जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं अभी तक 7,47,543, जो कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इलाहाबाद के अंदर, और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बड़ा कंपटीशन रहने वाला है अन्य जोन की अपेक्षा। नेक्स्ट जोन है आप रांची जोन है। इसके अंदर टोटल सीट बात करें तो 1,386 टोटल सीट है, और बात करें इसमें टोटल फॉर्म आपके 2,02,432 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। नेक्स्ट जोन है आप यहाँ पे अहमदाबाद जोन है। इसके अंदर टोटल सीट आपके यहाँ पे 1,024 है, टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 3,02,234 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जोन पर गोरखपुर जोन है। इसके अंदर टोटल सीट आपके 1,298 है, टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर 3,38,665। नेक्स्ट जोन आप आपका भुवनेश्वर जोन है। इसके अंदर टोटल सीट आपकी 498 है और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,05,343। नेक्स्ट जोन है आप आपका मालदा जोन है। इसके अंदर टोटल सीट आपकी 1,043 है और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,80,543 फॉर्म। नेक्स्ट जोन है आप आपका अजीबर जोन है। इसमें टोटल सीट की बात करें तो 1,773 टोटल सीट है और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 3,24,123। नेक्स्ट जोन है आपका कोलकाता जोन। इसके अंदर टोटल सीट है आपकी 2,949 और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 3,78,453। नेक्स्ट जोन है अपना पटना जोन है। इसके अंदर टोटल सीट की बात करें तो 1,039 सीट टोटल सीट हैं, और बात करें टोटल फॉर्म फिलअप की तो 3,23,123 फॉर्म फिलअप हो चुके इस जोन के अंदर। नेक्स्ट जोन है अपना जम्मू कश्मीर जोन। इसके अंदर 898 टोटल पोस्ट हैं और टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,03,123। नेक्स्ट जोन है अपना गुवाहाटी जोन है। इसमें टोटल सीट आपकी 851 है, टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 1,30,432। नेक्स्ट जोन है अपना यहाँ पे सिकंदराबाद जोन। इसमें टोटल सीट आपकी 3,234 है और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 4,70,893। नेक्स्ट जोन है अपना बिलासपुर जोन है। इसमें टोटल सीट आपकी 1,207 है, टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके अंदर 3,82,987। नेक्स्ट जोन है अपना चेन्नई जोन है। इसमें टोटल सीट की बात करें तो 2,694 टोटल सीट हैं, टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 3,98,543। नेक्स्ट जोन है अपना त्रिवेंद्रम जोन है। इसमें टोटल सीट आपकी बात करें तो 897 टोटल सीट है और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,01,234। नेक्स्ट जोन है अपना बेंगलोर जोन है। इसमें टोटल सीट की बात करें तो 2,470 टोटल सीट हैं और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 4,50,765। नेक्स्ट जोन है अपना मुजफ्फर जोन है। इसमें टोटल सीट आपके 329 हैं और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 1,12,876। नेक्स्ट जोन है सिलीगुड़ी जोन। इसमें टोटल सीट की बात करें तो 443 टोटल सीट हैं और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,48,122। नेक्स्ट जोन है अपना भोपाल जोन है। इसमें टोटल सीट की बात करें तो 997 टोटल 30 सीट है और टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2,82,543।
नेक्स्ट जोन है अपना मुंबई जोन है, इसमें टोटल सीट आपकी 3665 है, टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं 5,02,343। नेक्स्ट जोन है अपना चंडीगढ़ जोन है, इसमें टोटल सीट आपकी 2483 हैं और टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं आपके 4,78,322। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस एक छोटा सा डाटा था जो मैंने आपको 21 मार्च तक का प्रोवाइड करवा दिया है, और उसके बाद जैसी नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कराता रहूँगा, और साथ साथ में आपको जैसी भी कोई न्यूज़ अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूँगा। तो शुरू से तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के, तब तक के लिए बाय।